Hello guys, my name is Viren Singh and welcome to the channel Smart Learning Academy. In this video tutorial, I am going to discuss about the enzymes used in recombinant DNA technology. As I have told you in my previous tutorial that I have discussed two of the enzymes used in recombinant DNA technology, that are DNA polymerases and nucleases. In this video tutorial, I am going to discuss about the various other enzymes used in recombinant DNA technology like end modification enzymes and restriction endonucleases. So let's see what are those and what are the function of those enzymes. Basically, three types of end modification enzymes used in recombinant DNA technology. The first one is alkaline phosphatase. The first one is alkaline phosphatase. What is the function of alkaline phosphatase? As the name suggests, phosphatase, that means it removes the phosphate bond. Okay? What is the difference between the nucleases and alkaline phosphatases? Nucleases breaks the phosphodiester bond. Phosphodiester bond kya hota hai? C O P. इस बॉन्ड को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. और यहीं से अगर एक और COP जोड़ जाए, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होता है COP POC, राइट, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो न्यूक्लियेजेस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जबकि एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स में सिर्फ किसको ब्रेक करते हैं? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को. ठीक है, ये ध्यान रखे रहिएगा, इट ब्रेक्स द फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. एंड वॉट इट जनरेट्स आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड? इट जनरेट्स 5' OH ग्रुप. ओके, इट जनरेट्स द 5' OH ग्रुप इन द न्यूक्लिक एसिड सिक्वेंसेस. वॉट इज द ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज? द ऑप्टिमम एक्टिविटी ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज विल ऑब्जर्व एट एल्कलाइन मीडियम. जैसा कि नाम में आपको दिख रहा है एल्कलाइन, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स ग्रेटर देन 7 pH फॉर देयर ऑप्टिमम एक्शन. ठीक है, दिस इज द जनरल एक्शन मैकेनिज्म. हियर एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज हियर एंड इट एक्ट्स ऑन द ऑक्सीजन ऑफ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज. द नेक्स्ट एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम यूज्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइडिल काइनेज. ठीक है, तो ये क्या होता है? बेसिकली अपोजिट ऑफ द फॉस्फेटेज. जहाँ पे फॉस्फेटेज क्या करता था? फॉस्फेट को रिमूव करता था, बट ये क्या करता है? फॉस्फेट को ऐड करता है. कहाँ पे ऐड करता है? 5' OH ग्रुप पे. ठीक है, वो क्या करता था? वो इसी का रिवर्स, 5' फॉस्फेट ग्रुप को हटा के 5' OH ग्रुप बना देता था. ये क्या करता है? 5' OH ग्रुप पे फॉस्फेट ऐड करता है और 5' फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइडिल काइनेज. T4 क्यों बोलते हैं जनरली? क्योंकि ये T4 जो फाज होता है वहाँ से इसको लिया गया था. इसका जो सोर्स होता है वो T4 फाज होता है. ठीक है, तो जो काइनेज होते हैं T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइडिल काइनेज जो होते हैं वो दो तरीके के एक्ट कर सकते हैं. इट कैन डू फॉरवर्ड रिएक्शन और इट कैन डू एक्सचेंज रिएक्शन बोथ. ठीक है, व्हाट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्सचेंज रिएक्शन, हम उनको देखते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली कि जो एक डीएनए सीक्वेंस है, 5' फॉस्फेट ग्रुप इधर है एंड 3' OH ग्रुप, आप डीएनए सीक्वेंस को जानते होंगे. जब आप एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज़ करेंगे तो क्या काम करेगा ये? क्या करेगा? 5' फॉस्फेट को रिमूव करेगा और यहाँ पे 5' OH कर देगा. ठीक है, फॉस्फेट रिमूव किया. अगर आपने यहाँ पे काइनेज यूज़ किया, तो काइनेज क्या करता है? ATP से फॉस्फेट लेगा और कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा? 5' OH ग्रुप पे. यहाँ पे क्या करेगा? वो ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन. अगर 5' पे OH ग्रुप है तो काइनेज क्या करेगा? वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देगा. एक फॉस्फेट लेके कहाँ से? एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक ATP से. ठीक है, दिस इज द फॉरवर्ड रिएक्शन. एक्सचेंज रिएक्शन की बात करें तो एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है? एक्सचेंज रिएक्शन में होता है कि ये फॉस्फेट को एक्सचेंज भी कर सकता है. लाइक काइनेज क्या किया कि यहाँ से फॉस्फेट लिया 5' फॉस्फेट से और उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसको? ADP पे. ठीक है, ADP से अगर ADP पर ट्रांसफ़र करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ATP में. ठीक है, तो काइनेज ये मैकेनिज्म किया, फॉस्फेट लिया
और उसको ट्रांसफर कर दिया एडीपी पे, एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी में। अब नेक्स्ट जब 5' OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा तो काइनेज आपने फिर ऐड किया, तो वही काइनेज जिस एटीपी को उन्होंने ट्रांसफर किया था या किसी और एटीपी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेता है, और फॉस्फेट लेके कहाँ ट्रांसफर कर देता है, 5' एंड पे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली एक्सचेंज रिएक्शन है, यहाँ से फॉस्फेट हटा के दूसरा फॉस्फेट ऐड कर दिया, एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, एटीपी को डाला फिर एटीपी से लिया, फिर लाइक एक्सचेंज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। तो काइनेज जो होते हैं वो दोनों तरीके के रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड एंजाइम ऑफ द एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थर्ड टाइप ऑफ एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज बेसिकली टर्मिनल ट्रांसफरेज। ठीक है, टर्मिनल ट्रांसफरेज यूज किया जाता है थर्ड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि टर्मिनल मतलब ये टर्मिनल, टर्मिनल्स क्या होते हैं, एंड्स होते हैं। अगर डीएनए है तो उसका 5' जो होता है वो एक टर्मिनल हो गया, एंड हो गया, और एक 3' हो गया। ठीक, और उस पर ट्रांसफर करता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड को, न्यूक्लियोटाइड को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, यूज ओनली डीएनटीपीज, आरएनए में ये यूज़ नहीं किया जा सकता, सिर्फ किस पे ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसेस के उस पर ट्रांसफ़र करेगा, और किस पे, डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइडिल फॉस्फेटेज को यूज़ करता है। ठीक है, तो और ये ट्रांसफ़र जो होगा वो कैसा होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा। ठीक है, दिस इज़ द डीएनए सीक्वेंस। अब भी ट्रांसफ़र कहाँ करता है, ये ट्रांसफ़र करता है 3' एंड पे। ठीक है, ये 5' एंड पे ट्रांसफ़र नहीं करता, जैसा कि आप जानते होंगे पॉली ए टेल के बारे में, उसमें पॉली ए टेल भी एक टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम से ऐड किया जाता है, नंबर ऑफ ए जो होते हैं एडिनिन बेस पेयर वहाँ पे ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिकली टर्मिनल ट्रांसफरेजेस किस एंड पे एक्ट करता है, 3' एंड पे एक्ट करता है। ठीक है, इट इज़ द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट इसे नहीं होती, ये किसी भी डीएनए सीक्वेंस पे एक्ट करके वहाँ पे टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। इट इज़ द प्राइमर डिपेंडेंट प्रोसेस, दैट मीन्स इट रिक्वायर्स अ प्राइमर टू इनिशिएट द प्रोसेस। ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ ऐड कहाँ करता है, 3' OH ओनली पे, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द होमोपॉलीमर टेलिंग। मैं बता चुका हूँ व्हाट इज होमोपॉलीमर टेलिंग, होमोपॉलीमर टेलिंग मतलब कि एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड, होमो मतलब सेम, पॉलीमर मतलब नंबर ऑफ कॉपीज, टेलिंग मतलब टेल में उसके 3' एंड पे जोड़ा जा रहा है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज होमोपॉलीमर टेलिंग। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ टर्मिनल ट्रांसफरेज, वो 3' एंड पे क्या करता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड एंजाइम यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Thank you for watching this video. If you like my video, please do like and share this video for those students who cannot afford the coaching and higher paid institutions. Thank you again.